At least two polling booths in Madhya Pradesh's Ater constituency in Bhind district reported violence after a Congress leader's car was vandalized and two people were beaten during the bypolls this Sunday. The Congress alleged that the attack was carried out by the Bharatiya Janata Party supporters. Giving details, the Congress leader accused Chief Minister Shivraj Singh Chouhan of booth capturing and instigating his party leaders to fake votes in favour of BJP. He also held Shivraj responsible for the grave attack on him. मुझे शिकायत मिली कि सांकरी में बूथ कैप्चर किया जा रहा है और मैंने लिस्ट में नाम भी लिख के भेजा था कि यहाँ बूथ कैप्चर की संभावना है जो 30 पोलिंग में भेजी थी मैं वहाँ पहुँचा वहाँ पे पुलिस वाले और जो भाजपा के गुंडे हैं जो बाहर के रुके हुए थे वो सब लोग मिलके साथ में मिलके वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग करवा रहे थे वहाँ फर्जी मतदान हो रहा था मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया मुझे जान से मारने की धमकी दी गई पीटीसी अधिकारी सब लोग वहाँ मिले हुए थे कोई वीडियोग्राफी नहीं हो रही थी जो जैसा कि भावरलाल जी ने बोला था वहाँ पे मैं शिकायत करता रहा मुझे पूरे गांव ने घेर लिया उसके बाद मैं जैसे तैसे वहाँ से जान बचा के निकला हूँ मेरे ऊपर गोली चलाई गई मेरी गाड़ी फोड़ी गई मेरे के ऊपर मतलब शिवराज सिंह चौहान द्वारा हत्या मैंने बोला था मेरी हत्या हो सकती है और ये शिवराज सिंह चौहान के इशारे पे हो रहा है Several cars have been vandalized and gunshots were also reported during the assembly by-elections.